अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। शायद हम सब लोगों के कपड़ों की भाषा ही समझ में आती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस अपना कहर दिखा चुका है। हिंदुस्तान में भी जबरदस्त तरीके से यह फैल रहा है। सारी सरकारें, हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार, सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना वायरस पर काबू पाया जाए, लेकिन हम लोगों को शर्म नहीं आती कि हम अभी भी गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। क्या पूरे दुनिया की, पूरे देश की जीडीपी आप चलाते हैं? अरे मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहो। अगर आप सुरक्षित रहोगे ना, तो शायद आपके घर वाले इस बीमारी से बच पाएंगे। बाहर मत निकलो जब तक जरूरत नहीं है। अरे हमारी सरकारें खुद ये कोशिश कर रही हैं कि जो जरूरी सामान है वो आप तक पहुंच जाए। उसके बाद भी आप इतना सा नहीं कर रहे कि अपने घर में रह सकते हैं। कि डॉक्टरों ने कहा है कि हम इस बीमारी से डर नहीं रहे, हम इससे लड़ रहे हैं। हम आपको बचाने के लिए इस बीमारी से लड़ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो क्या आप हमारी जान बचाने के लिए अपने घर में नहीं रह सकते? शर्म आनी चाहिए यार हम लोगों को। और कुछ नालायक लोग तो अभी भी ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं, कांग्रेस बीजेपी करने में लगे हुए हैं। अरे मेरे भाइयों, शर्म करो। जिंदा रहेंगे तो फिर लड़ लेंगे। अरे मेरे भाइयों, हम जिंदा रहेंगे तो लड़ लेंगे ना। अरे अभी तो एक हो जाओ, अभी तो सरकारों की कमियां ढूंढना बंद करो और सरकार का साथ दो। याद रखो, जिंदगी है तो हम फिर से लड़ सकते हैं। मर जाओगे तो याद रखो, इस बार तुम अकेले नहीं मरोगे, अपने पूरे परिवार को लेकर मरोगे। कुछ दिन के लिए घर में रह लेते हैं और हिंदू मुसलमान बंद करके अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।